नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मंगल चला मीन राशि में, तो यहां ये घर गृहस्थी, नौकरी, व्यापार और परीक्षाओं में मंगल करेगा या मंगल, ये है आज का विषय। और इसे समझाएंगे कौन? गुरुजी। राम राम गुरुजी। राम राम। मां भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, मंगल मीन में कैसा रहने वाला है? मंगल भारत के लाभ स्थान में आ जाएगा, तो एक ओर ये लाभ भी देगा, लेकिन दूसरी ओर ये शनि से केंद्र में आने की वजह से उपद्रव भी देगा। उपद्रव बढ़ेंगे देश के अंदर, लाभ भी बढ़ेगा और मौसम भी कुछ ऐसे उपद्रव करेगा जिससे कुछ नुकसान तो होगा। तो सामाजिक उपद्रव भी बढ़ेंगे और मौसम संबंधित उपद्रव भी बढ़ेंगे। और ये इसलिए विशेष है क्योंकि कुंभ का मेला इसी स्थिति में लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ 6 फरवरी तक रहेगा। 23 दिसंबर से 6 फरवरी तक मंगल मीन राशि में रहेगा, तो कुंभ के मेले की विशेष रूप से सुरक्षा सरकार को करनी पड़ेगी, अन्यथा वहाँ उपद्रव होने का डर है। लेकिन शिक्षा आदि के क्षेत्रों में ये अच्छा सुधार भी कोई कर सकता है, कोई नीति भी आ सकती है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सरकारी लोगों में असंतोष और रोष बढ़ेगा तथा कुछ ऐसे संघर्ष समाज के अंदर बढ़ेंगे जो नहीं बढ़ने चाहिए। तो किस तरह से प्रभाव इसका देश पर पड़ेगा, ये गुरुजी से आपने जाना। अब हम बात करेंगे राशियों के हिसाब से। गुरुजी, मेष और वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये मंगल? नोट कीजिए, मेष राशि के लिए ये 12वां मंगल होगा जो मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर करेगा और धन की कमी भी उनको हो सकती है। मेष राशि के लोग ऐसी कोई धन से संबंधित प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग 6 फरवरी तक नहीं करें। हाँ, दौड़ भाग से संबंधित कार्य आपके बिल्कुल अच्छे से चलते रहेंगे, आपको दौड़ भाग के अच्छे परिणाम 6 फरवरी के बाद ये मंगल दिला देगा, इसलिए हिम्मत हारे बिना दौड़ भाग करते रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। मेष राशि के जिन जातकों का विवाह इस समय में हो रहा है, वह मंगल के उपाय अवश्य कर लीजिएगा। वैसे एक सामान्य सी चीज है, गले में तांबे के 3 सिक्के डाल लीजिए मंगलवार के दिन लाल रंग के धागे में, तो बिजी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि को द्वंद्व तो दे रहा है ये मंगल, लेकिन लाभ भी दे रहा है। वृषभ राशि के जातकों के पढ़ने लिखने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को यह मंगल भाई बहनों से भी मिलाएगा, उनसे संबंध भी बेहतर करेगा, रोगों से मुक्ति भी दिलाएगा और समाज में कोई प्रशंसा, प्रशस्ति आदि भी संभव है, तो उन लोगों के लिए ये मंगल खासतौर से अच्छा रहेगा। बस उनको अपनी भाषा और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। बाकी यदि कहीं कोई परेशानी वो महसूस करें तो चमेली के तेल का दान करना शुरू कर दें या सरसों के तेल का दान करना शुरू कर दें। और अब हमारे दिन की राशियों का हाल जानते हैं। प्रथम 4 राशियों का दिन कैसा होगा गुरुजी? मेष राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, अच्छे से काम करें, मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक सावधानी के साथ, इस दिन धैर्य जरूर धारण करना, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? पहली बात तो वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दीजिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए ये दिन थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, मन में बहुत उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुक नहीं रहे हैं। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का और मन का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन लाल वस्त्र धारण ना करें और सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में पहन लें या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आज का दिन मंगल और सफलता को देने वाला है, इसीलिए आज आप बेहतर कार्य भी कर पाएंगे, लेकिन एक सावधानी, कुछ लोग आपका साथ नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश, उनसे नाराज नहीं होना है। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको 5 फलों का दान जरूर कर देना है। कर्क राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस मिलेगा, यद्यपि कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, कहीं कोई परेशानी कार्यस्थल पर महसूस होगी आपको, लेकिन एक सावधानी विशेष रूप से रखें वाहन चलाने में, बाकी सब ठीक है। और हाँ, इस दिन रिश्ते बहुत सोच समझ कर जोड़िएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मसाले का दान अवश्य कर दें। तो क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, गुरुजी से आपने जाना। अब बात हम करेंगे मिथुन और कर्क राशि के लिए, उनके लिए ये मंगल कैसा साबित होगा गुरुजी? जी, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह मंगल कुछ अपॉर्चुनिटीज ला रहा है,
और देखिए जब भी अपॉर्चुनिटी आए, छोटी हो या बड़ी हो, हमें तुरंत उसको एनकैश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपके लिए 6 फरवरी से पहले कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों से बातचीत करें, अपने प्रमोट होने की कोशिश करें या नई नौकरी पाने का प्रयास करें। बस जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बड़े भाई से या पिता से कोई मतभेद ना हो जाए, बाकी सब ठीक है। उपाय के तौर पर यदि कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस करें तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान बड़े सेवा भाव से करना शुरू कर दीजिएगा, बाकी तो ये सब ठीक करेंगे। कर्क राशि का भाग्य थोड़ा सा कमजोर होकर आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ेगा इस शब्द पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कमजोर होगा, इसलिए आपके सोचे हुए प्लान्स जो हैं, आपकी बनाई हुई योजनाएं जो हैं, वो आसानी से पूरी नहीं होंगी या पूरी तरीके से पूरी नहीं होंगी, धीरे धीरे लेकिन कार्य आपका आगे बढ़ेगा। आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, कोई अच्छी नेक सलाह भी आपको मिल सकती है जिससे आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुले, तो आप चौकन्ने रहिएगा और अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशिएगा। घर या मकान संबंधी बातचीत या कार्य होगा, वाहन संबंधी बातचीत कार्य भी होगा, तो कुल मिला के सब ठीक है। कहीं कोई परेशानी महसूस करे तो अपने इष्ट को लाल पुष्प भेंट करके उनका जप स्मरण करना शुरू कर दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अब उन लोगों का दिन, जी हाँ, जिनका है जन्मदिन, उनका साल कैसा होगा गुरु जी? अकेले अकेले केक खाएंगे। सुनिए। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कुछ नया करके दिखाने का मौका मिल रहा है, कर दिखाइए। ये समय वो समय होता है जब आप अपने विरोधियों को बढ़िया उत्तर दे सकते हैं। यद्यपि जीवन के की दिशा में थोड़ा परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन इस परिवर्तन को जरूर स्वीकारिएगा, इससे दुखी मत होइएगा। यह परिवर्तन रिश्तों में भी हो सकता है, नौकरी में भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी हो सकता है, घर मकान के क्षेत्र में भी हो सकता है, लेकिन इसे स्वीकारिएगा, यह आगे जाकर आपको लाभ देगा। सावधानी क्या रखनी है, घमंड मत आने देना। जो उपाय है वो कितना सिंपल है, हर बृहस्पतिवार आपने पके हुए भोजन का दान किसी गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति को बड़े सेवा भाव से देना है, और उसमें गुड़ अवश्य होना चाहिए। बस ये करते रहिए वर्ष भर, और आगे निकलने के हजारों मौके मिलेंगे आपको। साल आपका अच्छा होगा, जो उपाय गुरुजी ने आपको बताए, जिन बातों का ध्यान रखना है, उम्मीद है आपने अच्छी तरह से सुनी होंगी, नोट कर ली होंगी, और हम सबकी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, सिंह और कन्या राशि की बात करें तो उनके लिए मंगल कैसा रहने वाला है? सिंह राशि के लिए ये मंगल बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता, उन्हें ये मंगल रोक देगा और कुछ परेशानियां क्रिएट करेगा, खासतौर से जिनका विवाह अभी 2 वर्ष के अंदर अंदर हुआ है, उनको अपने वैवाहिक जीवन में 6 फरवरी तक बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष को भी ये कमजोर करता दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना अवश्य है कि इस समय में किए गए कार्यों से आपको धन या संपत्ति में अचानक लाभ जरूर होगा, इसलिए अपने कार्यों को रोकना नहीं है, लगातार करते जाना है। कहीं कोई परेशानी यदि आप महसूस करते हैं तो हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए, और उन्हें रोजाना थोड़ी सी उड़द की दाल भेंट कीजिए और उपासना करते रहिए। जब वो उड़द की दाल खूब सारी हो जाए तो उसको किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा, तो वो कल्याण करेंगे। कन्या राशि के लिए ये मंगल बहुत कारक नहीं सिद्ध होने वाला है, आपको घर गृहस्थी का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप का, मित्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ कहीं वाद विवाद ना हो जाए या परेशानियाँ ना आ जाए। वैसे कुल मिलाकर यदि आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई में कुछ विशेष करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ये मंगल आपको लाभ देगा। जो लोग बिल्डिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो 6 फरवरी तक धन लगाने से पहले 100 बार सोचें फिर धन लगाएं। कहीं कोई परेशानी हो हनुमान जी को याद करें और अपने काम पर जुटा करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम खास तौर पर मंगल की बात कर रहे हैं, तुला और वृश्चिक राशि की अब बारी है, उनका मंगल क्या हाल करेगा गुरु जी? तुला राशि, आपके लिए ये मंगल अच्छा है, आपके शत्रु समाप्त होंगे, आपका मन अच्छा होगा, मन शांत करेगा और आपके व्यक्तित्व में यह गंभीर देगा। आपके बहुत सारे शत्रु मित्र बनेंगे या आप अपने शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं, तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन संघर्ष का सामना उन हर व्यक्ति को करना पड़ेगा जो आगे निकलने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ये संघर्ष अच्छे से निपटे इसके लिए आपका सकारात्मक होना और अपने काम पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये मंगल आपके अंदर घमंड दे सकता है या आप अपने कार्य से हट सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी यदि कहीं कोई परेशानी हो तो एक छोटा सा उपाय कर लें। पहली चीज तो
एक रुपए का सिक्का अपने घर के किसी बुजुर्ग से लेकर अपने पास रख लीजिएगा 6 फरवरी तक। 6 फरवरी के बाद उसका क्या करेंगे? टॉफी खा लेना। दूसरा उपाय, एक लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य बांध के रखिएगा, और यदि ईश्वर न करे बहुत परेशानी आपको महसूस हो तो पके हुए भोजन का दान हर मंगल को करना शुरू कर दीजिएगा। बस एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि घर मकान वाहन में पैसा सावधानी से लगाइएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह मंगल 6 फरवरी तक कई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, खासतौर से वो लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में अपना भविष्य संवार रहे हैं या एनजीओज वगैरह में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नया अच्छा करने को मिलेगा। जो लोग किसी पुस्तक पर काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये मंगल आपके लिए मंगलकारी ही सिद्ध होने जा रहा है। यदि कोई परेशानी आप महसूस करें तो रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। तो गुरु जी लगातार राशियों के हिसाब से आपको उपाय भी बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। बात अब करते हैं धनु और मकर राशि की, उनके लिए क्या कुछ विशेष बात है गुरु जी? धनु राशि को भी ये मंगल सुख देने वाला है। धन संबंधी कार्य, मित्र संबंधी कार्य, मित्रों से मदद संबंधी कार्य, मित्रों की मदद संबंधी कार्य, पार्टनरशिप संबंधी कार्य, वाहन संबंधी कार्य, ये सब बन सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है या आगे बढ़ने को मिल सकता है या कोई मार्ग आपका प्रशस्त हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये मंगल थोड़ा माँ से या ननिहाल से वैमनस्य उत्पन्न कर सकता है, उससे बचने की कोशिश करें और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं कोई परेशानी यदि हो तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का सेवन करके गुनगुना पानी पीकर तब अपने काम पर निकलना शुरू कर दीजिएगा, और रोजाना किसी की सेवा किसी भी रूप में अवश्य आपने करनी है, ये नियम बना लीजिएगा, तो कार्य आपके रुकेंगे नहीं बल्कि द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, आपके लिए ये मंगल अच्छा सिद्ध होगा, भाग्य के बल को बढ़ाएगा, इसलिए निराश होने की बात नहीं है, निराशा को तज दीजिए, आगे बढ़ने की सोच लीजिए। आपके बहुत सारे दुर्योगों को ये शांत करने वाला सिद्ध होगा। जो भवन संबंधी कार्य आपके रुके हुए हैं, प्रमोशन संबंधी या पेंशन संबंधी, तनख्वाह संबंधी कहीं कोई व्याधाएं हैं तो वह भी ये मंगल शांत कर देगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, 6 फरवरी तक जो आप पढ़ेंगे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या एग्जाम्स में, बोर्ड आदि के एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। कहीं कोई परेशानी महसूस करें, तांबे का कड़ा किसी बुजुर्ग के हाथ से या गुरु के हाथ से पहन लीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब वक्त हो गया है हमारी जो बीच की 4 राशियां हैं उनके दिन का हाल जानने का। गुरु जी उनका आज दिन कैसा होगा? तो सिंह राशि का आज का हाल, आज दिन आपके लिए अच्छा है, धन संबंधी कार्य को अच्छे से कीजिए, आपको लाभ होने की संभावना है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन बड़े बुजुर्गों को नाराज मत कीजिएगा और उनकी सलाह से आगे बढ़िएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। कन्या राशि, आपके लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। जिन लोगों को पेट की, पीठ की या रक्त संबंधी कोई व्याधि है वो विशेष रूप से ध्यान दें। कुछ बड़े लोग या कुछ ऐसे लोग जो आपका साथ देने वाले थे, हो सकता है वो आपका साथ आज ना दे पाए, एक सावधानी रखिएगा। वाहन तनाव में बिल्कुल मत चलाइएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए दही का दान दीजिएगा। तुला राशि, यह दिन आपके लिए कुछ परेशानियां तो ला रहा है, मन व्यथित रहेगा, व्याकुल रहेगा, लेकिन आप अपने कार्य पे डटे रहेंगे, सावधानी। इस दिन सकारात्मक सोच वाले लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और अपनी परेशानियों को वो अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोग वाद विवाद में उलझ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? ओम हनुमते नमः का जप कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, बस किसी से वैमनस्य स्थापित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। एक विशेष सावधानी, जो काम आप कर नहीं सकते उसकी गारंटी मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा की हानि आगे जाकर हो जाएगी। उपाय क्या करना है? रोटी या आटे का दान जरूर कर दीजिएगा, साथ में कुछ भी दे सकते हैं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मंगल की हम बात कर रहे हैं, कुंभ और मीन राशि की यदि बात करें तो उनका क्या हाल रहेगा गुरु जी? कुंभ राशि के लिए शुरू में ये धन की हानि करेगा, लेकिन 10 जनवरी के बाद ये धन कहीं से दिलवा भी सकता है, धन के रास्ते खुलते नजर आ रहा है। ये समय आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, कितनी बड़ी मिलेंगी ये आपकी मूल कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन वो मिलेंगी अवश्य, और इससे आपको आगे बढ़ने के शुभ अवसर भी मिलेंगे। लेकिन समस्या कहाँ दिखाई दे रही है? आप सोचे समझे बिना भावावेश में या बदले की भावना से कहीं धन खर्च मत कर दीजिएगा या किसी को भला बुरा मत कह दीजिएगा, लंबे समय तक अन्यथा वाद विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।
कहीं कोई परेशानी महसूस करें तो एक छोटा सा काम कर लिया कीजिएगा, चावल के दो दाने सुबह सुबह पूजा करने के उपरांत अपने मुंह में रखकर घुमाते रहिएगा, चूसते रहिएगा। यदि भी उसमें कोई रस नहीं निकलता, थोड़ी देर चूसने के बाद उसको मुंह से थूक दीजिएगा। अद्भुत उपाय है, बहुत मदद करेगा। मीन राशि, आपके स्वास्थ्य के लिए ये मंगल अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्य के बल में वृद्धि करने वाला नजर आ रहा है। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, सर में चोट लगने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या सर की गर्दन की कमर की समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों को रक्त संबंधी कोई व्याधि है वो भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन यह धन के मामले में आपको आगे बढ़ाएगा, समाज के मामले में, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में आपको आगे बढ़ाएगा, बिजनेस के मामले में आगे बढ़ाएगा, और अचानक कुछ नुकसान देने के बाद ये कोई लाभ भी आपको अवश्य देगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, चाहे छोटी हो या बड़ी, उस अपॉर्चुनिटी पे काम करने से आपको लाभ ही मिलेगा। एक विशेष सावधानी आपको घर गृहस्थी में रखनी है, आपकी वजह से 6 फरवरी तक कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है आपके घर परिवार में, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम हं हनुमते नमः का रोजाना जप करना शुरू कर दीजिए, लाल वस्त्रों से परहेज कीजिएगा, पीले और सफेद वस्त्र अधिकाधिक पहनिएगा, और मंगलवार को किसी गरीब बच्चे को भोजन अवश्य दीजिएगा, और भोजन में गुड़ रखना मत भूलें। परेशानी भगवान ना करे आगे बढ़े, एक तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आगे बढ़े तो काली गाय को अथवा बिजार को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिएगा रोजाना, प्रभु जी की कृपा से सब ठीक होगा। हम जानते हैं जो अंतिम चार राशि वाले हैं वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बारी है आपके दिन का हाल जानने की, गुरु जी उनका दिन कैसा होगा। धनु राशि, धन की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मित्रों की मदद से आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है, इस दिन अपनी कीमती चीज बहुत संभाल के रखनी है। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन का दान जरूर करते हैं। मकर राशि, लाभ का ये दिन सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, व्यापारी घबराए ना, आगे बढ़े। लेकिन एक विशेष सावधानी, वो लोग जो आग या बिजली के साथ काम करते हैं वो जरा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, बिगड़ते हुए कार्य इस दिन बन सकते हैं और कार्य के मार्ग की आने वाली बाधाएं भी खत्म हो सकती हैं, इसलिए आप अपना कार्य बहुत अच्छे से लगातार करते रहिएगा। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है, इसकी बात उससे, उसकी बात इससे मत करिएगा, नहीं तो आप ही फंसेंगे। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल देना है, मन को शांत रखना है, अपने काम पर जुटे रहना है, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, चलते हुए कार्य भी रुक सकते हैं, जिससे उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी, कुछ रिश्तों में भी परेशानी आती हुई सी दिखाई दे रही है, किसी बुजुर्ग या शिक्षक या गुरु के नाराज होने की संभावना भी बनती है। उपाय क्या करना है, ये उपाय कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। लाल मसूर की दाल का दान आपने करना है किसी बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को। तो ये सावधानियां रखें, ये उपाय जरूर करें, आपका दिन अच्छा होगा। और अब हम बात करेंगे उस विचार की जो हम सबका दिन बनाता है। गुरु जी आज का विचार क्या है। अपने अनुभव से आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिससे आपको सीखना चाहते हैं या जिसे आपको सिखाना चाहते हैं, आप दोनों के मध्य में हमेशा कुछ औपचारिकता अवश्य होनी चाहिए, कुछ लाज अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा ना कोई सिखा सकेगा ना कोई सीख सकेगा। तो इसीलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसमें शिक्षण की बात की जाती रही है, ताकि जो कार्य है वो आसान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप सबको राम राम, नमस्कार, दिन की शुभकामनाएं और भारत माता की जय। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।